नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स किचन में। और आज हम बनाने वाले गाजर की खीर। हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए चाहिए हमें 5 गाजर, किसी हुई इलायची पाउडर, घी, शक्कर, बादाम, काजू और आधा लीटर दूध। मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले इसमें हमें घी डालना है। 1 चम्मच घी डाला है मैंने उसमें। और फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए। और भूनते भूनते साथ में हम इसमें नट्स भी डाल देंगे ताकि अपने नट्स भी अच्छे से भून जाए। मैंने बादाम और काजू डाल दिया है और साथ में इसे भून रहे हैं। और इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे, सारे अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैंने इलायची पाउडर डाल के रख दिया है इसमें। और इसे अच्छे, ये हमारा 1 चम्मच इलायची पाउडर है इसमें, समझ लीजिए 2। यदि आपके मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। ये देखिए, पूरा मेरा मॉइस्चर लगभग सूख चुका है। इसमें हम 1/2 लीटर दूध डालेंगे और इसे गाढ़ा थोड़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा रेडनिश कलर आया है हमारा और खूब अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे हलवे की आती है वैसे ही हमारे खीर की भी खुशबू बहुत अच्छी स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि इसमें हमने इलायची पाउडर डाल के रखा है। और इतनी अच्छी खुशबू आने की वजह से हमसे सब्र नहीं हो रहा है, लग रहा है कब हमारा हलवा बनेगा और हम इसे कब टेस्ट करेंगे। ये देखिए, मेरी खीर उबल रही है। इसमें मुझे शक्कर डालना है। ये देखिए, मैंने 2-3 चम्मच शक्कर है, बड़े-बड़े 3 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। शक्कर गलने तक कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। ये देखिए, मेरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये हलवा, और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। खीर गाढ़ी हो चुकी है, ये कंप्लीट रेडी है। अब हम इसे फ्लेम से उतारेंगे। देखिए, ये मेरी खीर बनके तैयार हो गई है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए कैसी लगी। और कोमल्स किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और ये देखिए, मेरी खीर कितनी गाढ़ी और यम्मी बनी है। इसमें देखिए सारी चीज के फ्लेवर्स दिख रहे हैं। इसे आप अपने घर पे बनाइए और हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं।